हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस हियर इन गिडियास चैनल। मैं करण कोठारी आपके साथ आ चुका हूँ विद मैथ्स विद करण। एंड हम लोग अभी मैथ्स 2 के चैप्टर नंबर 1 पे है, दैट इज कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सारे गुजराती मारवाड़ी सिंधी कच्छी लोगों का जो है ना आँखें एकदम चमकती है ये सारे चैप्टर्स में, क्योंकि ये सारे जो चैप्टर्स हैं एकदम डिस्काउंट ब्रोकरेज कमीशन के बारे में है। जहाँ पे पैसा आता है ना, तब इन लोगों की आंखें चमकती हैं। लेकिन ये चैप्टर उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर अच्छे से पकड़ नहीं बैठाई। मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया था इस चैप्टर के बारे में, जहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है अपना, उसमें तुम लोग को हर चीज़ फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी हमको देखना है कि फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोग के मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा क्वेश्चन को तोड़ेंगे, समझेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इट इज़ वर्ड प्रॉब्लम टाइप। जो हम लोग स्कूल में टाइम पे था वर्ड प्रॉब्लम, वही यहाँ पे भी रहेगा। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ब्रेक करते हैं और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग ने इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर चुका है, मेरे पिछले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। हम लोग अभी सेकेंड एक्सरसाइज पे है, उसमें हम लोग 5 सम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग आगे जाके ये भी देख सकते हैं। तो तब तक अब मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगा, उसके पहले एक बार मैं रिकैप करता हूँ सारे के सारे फॉर्मूलाज को। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पे अगर तुमने देखा थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना। और एक मिनट, मैं चैप्टर पहले चालू करूँ उसके पहले डेफिनेटली प्लीज़ डू वन थिंग, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल दी अदर वीडियोज, सब्सक्राइब, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बोलो भाई सोल्यूशन मिल चुका है, एंड ऑफकोर्स बेल आइकन दबा देना। एंड वन मोर थिंग, एक अपडेटेड है, यहाँ पे नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे मैं जो भी सब यहाँ पे होमवर्क देता हूँ या कोई भी आपकी पर्सनल क्वायरीज हो वहाँ पे भेज दो, मैं उस पर आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा एंड आपको सोल्यूशन दे के रहूँगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज। ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज मैंने बना के रखा है, जहाँ पे एसडी दैट इज स्टैंडर्ड डिस्काउंट की बात हो रही है, तो पीडब्ल्यू प्लस टीडी प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रेड डिस्काउंट, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में या पिछले वीडियो में आप देख सकते हो चुका है। नेक्स्ट, टी डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो याद करने के लिए हम लोग है ना इसको आराम से देखो, तो ये एच डी देखो पी डब्ल्यू प्लस टी डी, तो टी डी का वहाँ पे वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला से, तो मुझे ये टी डी के लिए ये फॉर्मूला मिल गया। अभी बी डी, तो बी डी भी एक डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के लिए देखो हम लोगों ने ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, तो डिस्काउंट्स के फॉर्मूला तुम लोग को यहाँ पे दिख जाएंगे कि ऐसे वाले फॉर्मूला यूज हो रहे फॉर डिस्काउंट्स। ठीक है, जो अपॉन 100 वाले हैं, बिकॉज डिस्काउंट एक होता है रेट पे डिपेंड, तो रेट मतलब अपॉन 100 आने वाला है। अभी गेन है, तो देखो गेन मतलब नो डिस्काउंट, इट्स लाइक अ प्रॉफिट, तो उसका ये वाला फॉर्मूला बनेगा, दैट इज बी डी माइनस टी डी। नेक्स्ट है, वापस है बी डी गेन का और एक फॉर्मूला है, जहाँ पे वी विल यूज टी डी, तो ये एक अलग से वापस से फॉर्मूला आ गया। एंड कैश वैल्यू मुझे ढूंढना है, तो एच डी माइनस बी डी करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नाउ मूविंग, ये तुम्हारे फॉर्मूला की लिस्ट है। अब मैं सीधा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करने वाला हूँ। ठीक है एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 1.2 एक्सरसाइज, दैट इज फाइंड द टी डी दैट इज ट्रू डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा रहा है, प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठना, तो उसमें तुम लोग को आइडिया आराम से आ जाएगा। तो फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ऑल्सो, ठीक है, ऑन अ बिल ऑफ रुपीज 4240 ड्यू फॉर 6 मंथ हेंस एट 9% पर एनम। तुम लोग को फॉर्मूला में टी डी ढूंढना है, तुम लोग को बी डी ढूंढना है एंड बी जी भी ढूंढना है। तो देखो बी जी के लिए तो बी डी और टी डी चाहिए, तो पहले मैं टी डी ढूंढूंगा बी डी ढूंढूंगा। ठीक है, अभी मुझे प्रेजेंट वर्थ ढूंढना है पहले, तो प्रेजेंट वर्थ मुझे दे दिया तो उससे मुझे टी डी मिल जाएगा, येस और नो, और वैसे ही मुझे आगे जाके बी डी भी मिल जाएगा। तो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, तो मुझे क्या दिया, बैंकर्स गेन ऑन द बिल, बिल दे दिया है मुझे, तो बिल पहले से मुझे कितना दे दिया है, अराउंड अराउंड 4240। तो अब मैं ये क्वेश्चन चालू करूंगा, तो पहली बात मार्क्स गेन करने के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उनको पहले ही लिख दो तुम लोग। जैसे कि मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या क्या है, जो जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो मैं पहले से लिख दूंगा। तो सबसे पहले मुझे एच डी दे दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एच डी इज इक्वल टू रुपीज कितना है 4240। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, यहाँ तक एकदम क्लियर चीज़ है। दूसरा मुझे दे दिया है एन, एन मतलब नंबर ऑफ डेज या मंथ या जो भी हो,
मुझे 6 महीना दिया है, 6 मंथ्स। अगर मैं इसको ईयरली में कैलकुलेट करूँ तो कैन आई से इट विल बी 6/12, दैट माइट बी दैट वी कैन कॉल 1/2, बराबर। तो मेरा एक्चुअल में 1/2 मेरा एन हो जाएगा। यहाँ तक मेरा एन भी क्लियर, मुझे आर दे दिया है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज माई 9%, ठीक है। तो मुझे एच डी दे दिया है, मेरे पास मैं बी डी पहले ढूंढ लूँगा, तो बी डी में एच डी का फॉर्मूला डाल के, तो यहाँ पे सो देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू एच डी इंटू एन इंटू आर एंड द होल अपॉन 100। ये सोनो ये फॉर्मूला है, एच डी का वैल्यू दे दिया है 4240 इंटू 1/2 इंटू आर कितना है मेरा 9 एंड द होल अपॉन 100। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम लोग ये कर सकते हो इसमें, दैट इज ये जो 1/2 का 2 को नीचे ले लो, बिकॉज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में ले लेने का, तो इट विल लुक लाइक दिस 4240 इंटू 1 इंटू 9 एंड द होल अपॉन 100 इंटू 2। यहाँ पे जो जो कैंसिलेशन होता है वो इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 0 0 कट कर दूंगा मैं, बराबर है। ये 2 के टेबल में 4 2 4 जाएगा, तो देखो 2 1 2 2 2 1 2 2 2, तो 212 बचा मेरे पास। अभी मुझे पता 212 2 के टेबल में जाता है एंड 10 भी 2 के टेबल में जाता है, तो 2 2 5 2 1 2 0 2 6, तो 106 बचा है मेरा और ऊपर 9 बचा है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा पहले जो भी चीज़ मेरे पास बची है, 106 इंटू 9 एंड द होल अपॉन कितना बचा मेरे पास नीचे 5, ठीक है। तो साइड में मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ तुम लोग को, दैट 106 इंटू 9, भाई 96 का कितना होता है तो 54 सर, 900+5 5 आ गया यहाँ पे, 9 1 9, तो 954 आया, तो 954 इज़ माई आंसर। और इसको डिवाइड बाई मैं अभी क्या करूँगा, उसको डिवाइड बाय मुझे करना है 5, तो ये रब करने के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिवाइड बाय 5, तो 5 1 5, तो यहाँ पे 4 बचा और 5 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 what's the 49, 9 the 45, 4 बचा, तो 4 तो आता नहीं है सर 5 के टेबल में, तो 0 ले लो, तो यहाँ पे 0 लिया तो डेसिमल आएगा, तो 5 what's the 8 the, तो 190.8 मेरा आंसर आता है। यहाँ पे तुम लोगों को ये क्लियर हो गया मेरा कैलकुलेशन, तो यहाँ पे मेरा जो बी डी है दैट इज ना डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट, तो वो हो जाएगा मेरा 109, मैं वापस एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन है अपना 190.8। तो सर मेरा बी डी तो मुझे मिल गया है, तो पहला वाला पार्ट मेरा यहाँ पे डन, बी डी मेरे सामने एकदम क्लियर कट मिल चुका है। नेक्स्ट है मुझे टी डी ढूंढना है, बिकॉज मुझे बैंकर्स गेन ढूंढना है, तो गेन के लिए होता है बी डी माइनस टी डी। अभी टी डी ढूंढना है मुझे सर, तो टी डी कैसे ढूंढूँ, तो चलो लेट्स स्टार्ट, फॉर्मूला देख लो एक बार। यहाँ पे देखो टी डी, अगर टी डी ढूंढना है तुम लोग को तो कहीं ना कहीं तुम लोग को कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बैंकर्स गेन के लिए टी डी ये निकाल सकते, लेकिन सर बैंकर्स गेन है नहीं, मुझे ये चाहिए बी डी, मेरे पास ये नहीं है, तो अभी मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो टी डी जो है ना, टी डी यहाँ पे इन द क्वेश्चन, तुम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया है दैट बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट बैंकर्स गेन ऑफ अ बिल, तो एक सम ड्यू दे दिया है मुझे। सम ड्यू मिलने से क्या होगा कि तुम लोग आराम से टी डी का एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो ये जो वाला पार्ट है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। तो जो जो तुम्हारे पास इन्फो दे दिया है उसके ऊपर तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ बी डी इज इक्वल टू टी डी प्लस, मैंने बोला बी डी इज इक्वल टू टी डी प्लस रेट ऑफ टी डी, रेट ऑफ टी डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख दूंगा कि लेट द ट्रेड डिस्काउंट दैट इज टी डी बी एक्स, ठीक है।
तो ये मेरा पहला चीज आ चुका है यहाँ पे, मैंने बोल दिया है लेट द टी डी बी एक्स। तो यहाँ पे बी डी अभी अभी जस्ट मिला है मुझे 190.8, टी डी को एक्स लूँगा ठीक है, प्लस यहाँ पे एक्स इंटू एन इंटू आर द होल अपॉन 100। बोलो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। मैंने टी डी के लिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख दिया है। नाउ व्हाट कैन आई डू सर, यहाँ पे तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे दो चीज़ में से कॉमन है, दैट इज माई एक्स इज कॉमन हुई हो। यहाँ पे लिखूंगा 190.8 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स कॉमन लूंगा मैं अगर, तो बचा क्या मेरे पास 1 प्लस एन की जगह पे मैं डालने वाला हूँ 1/2 इंटू 9 एंड द होल अपॉन 100। क्लियर है? इसको आगे मैं और सॉल्व करता जाऊंगा तो मुझे सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो नाउ ये हो जाएगा 190.8 इज इक्वल टू एक्स इंटू, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 200। सही, ये कैसे हो गया? तो देखो ये 2 नीचे आ गया तो 200 हो गया एंड 1 इंटू 9 इज 9 ओनली। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा और फिर वो वहाँ पे शिफ्ट होगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो इसको तो ये हो जाएगा मेरा 1908 अपॉन 10 लिख देता हूँ बिकॉज मैंने डेसिमल हटा दिया है, इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे 200 वन्स आर 200 209 अपॉन 200 हो जाएगा, 209 अपॉन 200 हो जाएगा बिकॉज ये मिक्स फ्रैक्शन है। नाउ सर एक्स को अकेला छोड़ दूँ तो 1908 into 200, सर हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? बिकॉज यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है ये साइड आएगा इज इक्वल टू के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 10 तो पहले से है ही एंड इनटू 209, अब ये 0 0 कट। नाउ अभी तुम लोगों को देखना है 209, तो 9 प्लस ये होता है मेरा 11, 1 प्लस 9 10 और 18 हो गया। अभी कहीं ना कहीं दोनों कहीं ना कहीं वो लोग एक दूसरे के टेबल में आ सकते हैं, हम लोग को डिवाइड करते जाना है। तो ओवरऑल यहाँ पे इसको डिवीजन करने का जिम्मा मैं तुम्हारे सर पे डालता हूँ, जितना कम हो सकता है उतना हम लोग ट्राई करेंगे। तो 209 के टेबल में देखो 1908 तो आएगा नहीं, बिकॉज तो अगर मैं ट्राई भी करूँ ना तो 9 के टेबल में 8 कभी आता पता तुम लोग को? तो मेरे ख्याल से 9 के टेबल में पीछे 8 आता ही नहीं, बिकॉज 9 वन्स 9 2s 18, एक 2 से आता है बराबर है, फिर एक आता है 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं, बिकॉज 6 9 6 50 4 63 72 81, तो 9 के टेबल में पॉसिबल नहीं है। हम लोग नियर बाय चीज़ें कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिवीजन मैं करूँगा, दैट इज इनको मैंने डबल कर देता हूँ मैं, ठीक है ना? तो 9209 डिवाइड बाय यहाँ पे 1908 into 2, 2 8s 16 2 9s 18 2 1s 2+1, तो 3816 आएगा। तो 38160 ठीक है, यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, ये मेरा ओवरऑल फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे बनेगा। तो व्हाट जा, तो 1s 209 माइनस करते हैं तो 11 - 9 = 2, 7 - 0 = 7, तो 72 मेरा बच रहा है यहाँ पे, तो 72 हो जाएगा मेरा। क्लियर है? तो 381 और माइनस ये करना पड़ेगा मुझे, तो 172 बच रहा है। तो 172 के बाद और कुछ होगा तो नहीं, यहाँ पे 6 ले लूँ, तो अभी मैं 209 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 209 में 6 से ट्राई करके देखता हूँ, 9 6 = 54, ये 5 आ गया, 6 2 = 12, तो 1254। तो और एक मैं कर सकता हूँ 7 से ट्राई करके देखता हूँ, 209 into 7, 9 7 = 63, ये 6 आ जाएगा, 7 2 = 14, 1463। और एक ट्राई कर मार के देखता हूँ, 209 into 8, 9 8 = 72 एंड 8 2 = 16, तो 1672 हो जाएगा परफेक्ट। तो 8 1672 हो जाएगा, माइनस करने पे हो जाएगा 6 - 2 = 4,
12 माइनस 7 इज 5, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा 54. तो 54 तुम्हारा ओवरऑल यहाँ पे आंसर बन जाता है. ये और हो गया मेरा ऊपर से. अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 सा 54 बचा, अभी 0 आ गया. ठीक है एवरीवन, नीचे आ गया मेरा 0. तो 209 इंटू मैं बोल सकता हूँ 2 सा तो 180, तो 209 इंटू 2 सा करके देखता हूँ. तो 209 इंटू 2 करूँगा तो 418 आएगा. 418, 10 माइनस 8 विल बी 2, 3 माइनस 1 विल बी 2 एंड यहाँ पे 1, तो 122 आया एंड यहाँ पे मैंने 0 ले लिया. तो पॉइंट होने वाला, तो ये मुझे पता 6 से होता है, तो मेरा आंसर आ रहा है 182.6. तो ओवरऑल x इज इक्वल टू आ रहा है 182.6. ठीक है, ये x मतलब मेरा TD हो गया 182.6. ये तो मुझे TD भी मिल गया सर. अब मुझे आखिरी वाला जो पार्ट है वो है BG. BG मतलब बैंकर्स गेन. नाउ BG इज इक्वल टू BD माइनस TD. तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मैंने BD ढूंढा था वो कितना है, तो तुम लोग एक बार देख ले ऊपर जाके. तो 190.8 था वो, 190.8. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो है मेरा 190.8 माइनस 182.6. तो इसको माइनस करूँगा, 8 माइनस 6 विल बी 2, फिर डेसिमल, 10 माइनस 2 विल बी 8, फिर 8 माइनस 8 विल बी 0. ठीक है, तो ये ऑफकोर्स 8.2 ही आ रहा है मेरा आंसर. तो मेरा ओवरऑल BG जो बैंकर्स गेन है वो कितना है 8.2. तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया है. तो मेरा फर्स्ट सम एकदम क्लियर हो गया. ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट सम, बहुत इजी था ये क्वेश्चन में. पहले BD ढूंढा, फिर मैंने TD ढूंढा उसको x लेके, एंड देन ऑफकोर्स BG मिल गया मुझे. मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम लोग के सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पे मुझे बोल दिया है क्वेश्चन में, दैट इज ट्रू डिस्काउंट ऑफ अ बिल इज 2200 एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज, तो BD एंड TD दे दिया है. इफ द बिल इज ड्यू फॉर 10 मंथ्स, हेंस फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो लोगों ने क्या बोला है, अगर बिल तुम्हारा 10 महीने के लिए, तो मुझे N दिया है, TD दिया है, BD दिया है, मुझे ढूंढना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो सर अभी करे तो करे क्या, तो सबसे पहले फॉर्मूलाज की लिस्ट में देखो तुम लोगों, यहाँ पे बैंकर्स गेन है ना, उसके फॉर्मूला में मुझे TD NR सब कुछ दे दिया. तो पहले बैंकर्स गेन ढूंढूंगा, तो बैंकर्स गेन ढूंढने के लिए मुझे एकदम इजी है बिकॉज मुझे BD एंड TD दे दिया है. तो ये देखो जो जो इन्फो दिया है, पहला है मुझे ट्रू डिस्काउंट दे दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई TD इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच 2200 सर. BD इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच, तो 2310 यहाँ पे लिखता हूँ 2310. मुझे N दे दिया है 10 मंथ्स. ठीक है, 10 मंथ्स की बात हो रही है मुझे, मतलब इट विल बी 10/12. 10/12 का मतलब ये होता है 2 5 and 2 6, मतलब 5/6 आने वाला है. एंड नेक्स्ट मुझे R तो सर ढूंढना है, पर R ढूंढने के पहले मुझे फॉर्मूला की लिस्ट अगर आती हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले BG ढूंढूंगा. ठीक है ना, मैं क्या ढूंढूंगा, BG. तो यहाँ पे देयरफॉर BG इज इक्वल टू BD माइनस TD. पिछले सब में यूज़ किया था मैंने, तो BD का वैल्यू है 2310 एंड TD का वैल्यू है 2200. माइनस करने पे मुझे वैल्यू मिलेगा 0 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1 एंड दैट्स इट. तो 110 आ गया मेरा BG. अब वन मोर थिंग, 110 मेरा BG आ गया है, तो BG का फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा, BG का और एक फॉर्मूला है, दैट इज TD इंटू N इंटू R एंड द होल अपॉन 100. तो 110 मेरा BG आ गया है इज इक्वल टू TD 5/6, बराबर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, 5/6 हो जाएगा, क्लियर. एंड
तुम लोग को आर तो ढूंढना है, एंड ऑफ कोर्स द होल अपॉन 100 तो होता ही है, यस और नो। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो हमको अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले जो जो कट हो रहा है 0 0, ठीक है मैं वो कट कर लूँगा, तो 0 0 0 0 कट। 6 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता, मैं क्या करूँगा, आर को अकेला छोड़ूंगा, 110 यहाँ पे पहले से है, इंटू 6 हो जाएगा, द होल डिवाइड बाय 22 इंटू 5। अभी यू गाइज ऑल्सो नो एंड आई ऑल्सो नो 5 के टेबल में 110 आने वाला है, तो चलो 5 1 5 2 10, 1 and 0 वापस 2 जा, तो 22 हो गया, 22 22 कट, तो देयरफॉर बचा क्या, सिर्फ 6 बचा, तो मेरा आर इज इक्वल टू 6%। तो वेरी इजी गोइंग सम, वेरी स्मूथ सम, यहाँ पे मेरा सेकेंड सम भी इजीली ख़त्म हो जाता है। तो तुम लोग अगर ध्यान दो तो बहुत ही सिंपल सा सम था, वेरी स्कोरेबल, 3 से 4 मार्क के लिए नहीं आएगा, बट 3 मार्क के लिए वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ सम इन बोर्ड्स, ठीक है। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल राइट एवरीवन, मूविंग विद द 8th क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा अलग है, जिसमें मुझे डेज काउंट करने पड़ेंगे, तो मैं वापस से बोल देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, अगर तुम लोगों ने इसको अच्छे से देखा तो उनको ईजी पड़ेगा। नाउ अ बिल ऑफ रुपीज 6395, बिल का एक वैल्यू दे दिया है, बिल का वैल्यू है 6395, ड्रॉन ऑन 19th जनवरी, कभी ड्रॉ किया बिल बनाया 19th जनवरी को बनाया 2015 में, फॉर 8 मंथ, सर 8 महीने के लिए किया, तो जनवरी से मैं 8 महीना गिनूँ, तो फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बराबर है सितंबर में होएगा, तो अगर 19 को होता है तो मुझे बताओ सितंबर के 19 डेट को होगा, नहीं। सबसे पहले हीरेन सर को याद करो, उनके बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर को याद करो, तो अगर तुमको वो चैप्टर याद हो तो गाइस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर तुमने पढ़ा रहेगा, कोई भी बिल का ड्यू डेट जब आता है ना, वो ड्यू डेट 2 दिन बाद का होता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 19 जनवरी लिया तो 8 महीना 19 सितंबर होता है, लेकिन नहीं, इट विल बी 2 दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन, बराबर, तो इट विल बी 2021 खत्म करके 22 मेरा ड्यू डेट रहेगा, तो 22 विल बी माई डेट। तो ये याद रखना, हीरेन सर को याद करो थोड़ा, तो तुम लोगों को ईजी गिरेगा ये, ठीक है ना। तो 22nd of Jan को तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आना चाहिए थोड़ा, तब ये चैप्टर भी तुमको समझ में आ जाएगा। नाउ मुझे फेस वैल्यू दिया है, मुझे 8 मंथ्स बोला है, लेकिन एक ट्विस्ट दिया है सर, दैट मंथ वॉज डिस्काउंटेड ऑन 28th फेब, मतलब मेरा बिल डिस्काउंट का जो डेट है वो 20th फेब से मैं कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। अभी 20th फेब 2015, सर 2015 लीप ईयर होता है क्या, तो नहीं, क्योंकि 15 डजेंट कम इन द 4 टेबल, 4 के टेबल में 15 नहीं आता, तो वो लीप ईयर नहीं है। तो तुम लोग याद रखना, ये आखिरी दिन है 28 वाला, लीप ईयर में 29 दिन होता है, और 8% पर एनम का इंटरेस्ट दिया है, तो व्हाट इज द बैंकर्स डिस्काउंट एंड व्हाट इज द कैश वैल्यू ऑफ द बिल, ठीक है। ये पहले हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट ढूंढते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो इन्फो दिया है, मैं हमेशा बोलता हूँ जो इन्फो दिया है उससे स्टार्ट कर देने का और लिखना शुरू कर देने का गाइस, ठीक है कि नहीं। नाउ मुझे क्या क्या दिया है, फेस वैल्यू, तो मेरा फेस वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन इज 6395 रुपीज 6395, ये मेरा यहाँ पे फेस वैल्यू दिया है। अब मेरा जो 8 मंथ्स जो मेरा एन, मैं आर भी दे दिया वो लिख देता हूँ पहले, मुझे आर दे दिया है, दैट इज योर 8% पर एनम, 8% पर एनम, मतलब पूरे एक साल का, साल की बात आ रही है, मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 367 दिन होते हैं, मतलब 366 डेज। नाउ इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट एन, तो हाउ यू कैन कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक महीने का दिखेंगे, तो सबसे पहले डिस्काउंटिंग मंथ कौन सा है, फेब है, तो मैं यहां पे लिखूंगा फेब मार्च अप्रैल मई जून फिर जुलाई अगस्त एंड सितंबर। अभी सर फेब में कितने दिन हैं, फेब में 0 दिन, बिकॉज आखिरी तारीख पे हुआ है फेब में 28, तो वो दिन नहीं काउंट होगा, एक दिन बाद काउंट होता है,
मार्च में कितने दिन होते हैं? तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में ऊपर आया देखा तो मतलब 31 डेज, अप्रैल में नीचे आया मतलब 30 डेज, मई में ऊपर आएगा मतलब 31 डेज, जून में 30 डेज, सर जुलाई में 31 डेज, लेकिन अगस्त में वापस उल्टा आएगा तो ऊपर ही आएगा 31 डेज, एंड सितंबर के सिर्फ और सिर्फ 22 दिन। सर क्यों 22 दिन लिया सितंबर का, 30 दिन का महीना है फिर भी? बिकॉज तुम लोगों को यहाँ पे बोल दिया है कि 22 सितंबर को ख़त्म। एक्चुअली सर यहाँ पे तो 19 होगा ना, 19 सितंबर, लेकिन वापस से हिरेन सर को याद करके लिखो यहाँ पे भाई एक्स्ट्रा, ये लीगल ड्यू डेट है, नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई तुम लोग का डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ बिल ड्रॉन है 20th फेब, बराबर है? फिर तो इसका नॉमिनल ड्यू डेट क्या बोला मैंने, नॉमिनल ड्यू डेट आएगा तुम लोग का सेम, अगर फर्स्ट से मैं चालू करता हूँ तो मेरा 8 महीने के लिए, मैंने वापस से बोला था बिल का देखो वैल्यू, ये डेट ऑफ बिल ड्रॉन एक्चुअली 20th फेब नहीं है, वो तो 19 जैन ही है ना, तो 19 जैन, ये तो नॉमिनल ड्यू डेट हो जाएगा तुम लोग का 19th सितंबर, लेकिन लीगल क्या बोला मैंने, लीगल ड्यू डेट जो बनेगा तुम्हारा क्वेश्चन में वो हो जाएगा तुम लोग का 22nd सितंबर, 3 दिन बढ़ा के सर, बराबर? तो इसी इन्फो के साथ मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो मेरे दिन कितने हैं वो मैं काउंट कर लेता हूँ। तो भाई 0 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, तो देखो भाई 1 2 3 4, 4 31 है, तो 30 × 4 = 20, 120 होता है, बराबर है? एंड ऊपर से और 4 ऐड कर दो, 124 हो गया, 124 प्लस 2 बार 60 कर दो तो 124 प्लस 60 हो गया ना, तो मेरा आराम से 184 हो गया, एंड 184 प्लस 22 किया तो मुझे पता है मेरे दिन बन जाते हैं 206 डेज। तुम लोग अपने बुक में कैलकुलेट करना, मेरे पे मत जाना फिर बोलना नहीं सर ये क्या हो गया आपने इतना फास्ट कैसे कैलकुलेट कर लिया, अटेंशन नहीं लेने का बाबा, यहाँ पे ध्यान से देखो 206 हो गया। नाउ मूविंग मूविंग विद द, तो मेरा एन कितना हो गया 206, लेकिन एक्चुअल में 206 नहीं, वो मेरा बन जाता है 206/365 डेज। लो लास्ट सम में हम लोगों ने मंथ में किया था, 10 महीना था तो मैंने क्या किया 10/12 लिया, मंथ मुझे पता है 12 ही महीने होते सर, तो ये वैसे ही 365 डेज में करना है। ना मुझे ढूंढना है क्वेश्चन में था कि मुझे ढूंढना है बीडी बैंकर डिस्काउंट, और बैंकर डिस्काउंट से ही मुझे कैश वैल्यू मिलेगा, तो पहले बीडी ढूंढ लेते हैं, बीडी का वैल्यू फॉर्मूला। सो देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू एफ वी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सर हम लोग एग्जाम में फॉर्मूला ना लिखे याद नहीं रहा चलेगा, मुझे सोल्यूशन आता है। अरे बाबा फॉर्मूला लिखने का है तो मार्क्स नहीं मिलेगा तुमको, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, फॉर्मूला अच्छे से नहीं लिखा तो मार्क्स भूल जाओ तुम लोग, ठीक है? तो फॉर्मूला सबसे पहले, फिर वो लोग बोलोगे भाई ऐसे कैसे कर लिया डायरेक्ट, तो तुम लोग बोलोगे ना भाई फॉर्मूला तुमने ही तो दिया था मुझे टेक्स्ट बुक में, तब जाके मैं कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू कितना है क्वेश्चन का, तो वो है तुम लोग का 6 what 6395, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6395। सर एन अभी अभी ढूंढा मैंने, 206 ठीक है ना अपॉन 365 ठीक है, एंड मेरा आर, सर आर कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो तुम लोग लिखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी योर 8% पर एनम, 8% है गाइस, परसेंट मतलब इंटू 8 एंड द होल अपॉन 100 ठीक है। अभी यहाँ पे जो जो चीज़ का आंसर हो सकती है करना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? तब जाके मुझे बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा, यहाँ पे 5 है पीछे, यहाँ पे 5 है पीछे, 5 5 कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, तो 5 के टेबल में 5 7 35, 1 5 मतलब 5 3 ज़ा, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 1 3 बचा, 5 2 ज़ा 10, 3 9 बचा, तो यहाँ पे 5 7 ज़ा 35, 4 5 तो 9 बचा, मेरे पास इतना बचा है ठीक है, 1 2 7 9 बचा,
तो 73 बचा है, 1279 बचा है, और कुछ कैंसिल हो सकता है। हाँ ये 100 भी इसमें किसी में ट्राई करके देखो, 2K devil में आता है, तो ये हो जाएगा मेरा 50, ये हो जाएगा 4, और कम करूँ तो 2, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अभी और कम हो सकता है क्या सर? कुछ ट्राई करो आप भी। तो देखो 73 कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट करने के लिए ट्राई कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से 73 जो है ना वो 1279 के आसपास आना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं हम लोग 73 को। तो 73 और 3K double में पीछे 9 कब कब आता है? तो सिर्फ 9 आता है, 3 3 9 होता है, बाकी तो आने का चांसेस थोड़ा कम है। तो 73 × मैं 13 करके देख लेता हूँ। 3 3 9, 3 7 21, 0 1 3 3, 1 7 7, ये 9, ये हो गया 4, ये हो गया 9, तो 9 4 9 आया मेरा आंसर। तो सर थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा अपने को, हो नहीं पाएगा ये। तो एक काम कर लेता हूँ, वापस से बड़ा वाला डिवीजन वाला पार्ट करना पड़ेगा। सर इतना क्यों डिफिकल्ट हो रहा है इसका डिवीज़न? बिकॉज बेटा सब कुछ ईजी और तुम लोगों को हाथ में लेके नहीं देंगे वो लोग, तुमको खुद मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। जितना हो सकता है उतना मैंने कम कर दिया है, मेरे पास बच्चा इतना है। देखो ध्यान से तुम लोग, कितना बच्चा है हम लोग के पास? तो यहाँ पे 1279 × 206 × 2 एंड द होल अपॉन 73 × 25। ठीक है, ये वाला पार्ट तुम लोग ध्यान से एक बार देख लेना किधर गया मूव। अभी इनको सॉल्व करने के लिए देखो कुछ भी मुझे 73 से कनेक्शन में दिख नहीं रहा है। 3 है तो 6 आएगा कभी, 2 जा 6 जा 18 जा होता है नहीं, तो ये भी वहाँ पे घूमेगा नहीं। और एक कोई सोल्यूशन हम लोग ढूंढ सकते हैं इसको निकालने के लिए, दैट इज़ तुम लोग डायरेक्टली इसको आंसर निकालेगे तो 288 आता है मेरा, 288.75 मेरा आंसर आ गया। थोड़ा मेहनत करके सर हाथ घुमाना, तुमको आंसर ये आ जाएगा। ये जैसे ही हो गया तुम लोग का, तुम लोग ऊपर क्वेश्चन में ढूंढो सर मुझे BD तो मिल गया, बैंकर डिस्काउंट मिल गया, अभी एक्चुअल में मेरा व्हाट इज़ द बैंकर डिस्काउंट, व्हाट इज़ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल? तो एक्चुअल में ये डिस्काउंट करने के बाद वैल्यू कितना? तो मुझे 6395 में से ये डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा तो कैश वैल्यू मुझे मिलेगा। समझा कि नहीं? तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर सर कैश वैल्यू इज इक्वल टू FV - BD। तो सर FV कितना था क्वेश्चन का? तो एक बार चेक कर लो, तुम लोग के सामने ही है 6395। ठीक है ना, FV कितना था? 6395, और BD कितना मिला? 288.75। सर माइनस कैसे करूँ ऐसा करने का? 6395.00 और 288.75। अभी देखो 10 - 5 विल बी 5, यहाँ पे 9 हो जाएगा तो ये 2, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 14, -8 हो जाएगा तो कितना होता है 6, बराबर ये 8 हो जाएगा, तो 8 - 8 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 6, तो 6 1 0, तो आंसर आएगा मेरा 6106.25, तुम्हारा एक्चुअल कैश वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे तुम्हारा ये भी सोल्यूशन क्लियर हो गया तुम लोग को, बहुत ही तगड़ा सम था। इसमें डेज में ही कैलकुलेशन का है, बाकी तो फॉर्मूला बहुत चिंदी है, बराबर है? तो यहाँ तक मेरा ये सम भी हो गया। तो डेज को कैसे कैलकुलेट किया है थोड़ा वीडियो आगे पीछे करके देख सकते हो गाइज। ठीक है, नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो 9th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, तुम लोग जरा मुझे हेल्प करना वापस से, और इस समय डेज दिख रहा है मुझे क्लियर कट कि डेज में कुछ इश्यू होने वाला है। नाउ अ बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन, बिल का वैल्यू है 8,000, मतलब मेरा फेस वैल्यू दे दिया है। ऑन 5th जनवरी 1998 फॉर 8 month वॉज डिस्काउंटेड फॉर 7680। डिस्काउंट करने के बाद मुझे वैल्यू मिला है 7680 ऑन अ सर्टन डेट। डेट नहीं पता हमको सर, ठीक है, फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड एट 10%। तो मुझे इस बार डेट निकालना है सर, डेट, तो मुझे एन निकालना है कुछ भी करके। तो बहुत ही थोड़ा ऊपर नीचे वाला सब होने वाला है, तो ध्यान से देखना जो जो इन्फो है लिख लो। तो मुझे फेस वैल्यू दे दिया है 8,000, मुझे कैश वैल्यू दे दिया है, मतलब ये BD माइनस करके
7680, ठीक है, मुझे फाइंड करना है, मुझे आर दे दिया 10%। तो सबसे पहले ना मुझे जो ढूंढना है उसके पहले मैं बी डी ढूंढ लेता हूँ। तो सर बी डी क्या होगा? तो सर एफ वी माइनस सी वी हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 माइनस 7680। माइनस करूँगा तो मुझे इसका मिल जाएगा आंसर, ये 0, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 6 3 20 मिल जाएगा, बराबर है 320 मुझे मिल गया मेरा बी डी। पिछले समय बी डी का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि भाई एफ वी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एफ वी इंटू इंटू एन अपॉन 365 डेज करूँगा मैं, ठीक है ना, इंटू 10 आर हो जाएगा मेरा। अभी हर एक की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट डाउन कर सकता हूँ तो मुझे अपने आप वैल्यू मिलेगा। अभी अभी मुझे मिला है ये 320, इसका वैल्यू है मेरा 8000। क्वेश्चन में दिया है सर एन पता नहीं है, आर है तुम्हारा, आर है तुम्हारा 10, बराबर है, एंड द होल अपॉन यहाँ पे 365 इंटू 100। तो जो जो यहाँ पे कैंसिल होता है वो कर देता हूँ मैं, तो ये 0 यहाँ पे 0, ये 0, ये 0, 800 365 दोनों 5 के टेबल में जाएंगे, 5 7 जा एंड 3 जा हो जाएगा, यहाँ पे 5 8 जा तो 5 1 जा 5, 3 एंड 0 हो गया, 5 6 जा 60 एंड 0, तो 160 हो गया मेरा, तो 160 एंड 73 बचा। अब मुझे n का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे करूँगा 320 इंटू 73 एंड द होल अपॉन कितना आ जाएगा 160 इज इक्वल टू n, यहाँ पे 0 0 कट, ये 1 जा ये 2 जा, तो 73 इंटू 2 करूँगा मैं तो मुझे n मिल जाएगा। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 73 इंटू 2, तो n विल बी 73 का डबल कितना होता है तो 146 डेज हो गया। अभी 146 डेज मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार मैं वापस से तुम लोगों के सामने रखूँगा, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कि मुझे 5th जनवरी से किया है फॉर 8 मंथ्स, तो 5th जनवरी से 8 मंथ वॉज डिस्काउंटेड ड्रॉन ऑन 5th जनवरी, तो मेरा वहाँ से मैं ना 8 मंथ से मैं अपना पहले तो ड्यू डेट ढूंढता हूँ। तो पहले तो जनवरी से 8 मंथ, तो फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है ना, वापस से जनवरी से फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बराबर है, वापस फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर है और ड्यू डेट मेरा बन जाएगा तुम्हारा 8th जनवरी। तो यहाँ पे वो अभी मैंने पिछले सम में किया था, तो मेरा एक्चुअल में जो ड्यू डेट बनेगा, जो मेरा लीगल ड्यू डेट है, वो हो जाएगा मेरा 5th सितंबर, 5th के प्लस 3 दिन डाल के लिख देता हूँ मैं, 8th सितंबर। अभी सितंबर से मैं उल्टा जाऊंगा तो मैं अपना एक्चुअल में कौन से डेट पे डिस्काउंट किया था वो मैं निकाल सकता हूँ। तो मेरे एक्चुअल दिन मैंने कैलकुलेट किया तो कितने आए थे, 146 डेज, ठीक है। अभी उल्टा लिखने वाला हूँ, यहाँ पे लिखूँगा सितंबर, फिर अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून, फिर तुम्हारा मई, अप्रैल, ठीक है ना, और तुम्हारा मार्च, इतना लिख के ट्राई करता हूँ। सितंबर में कितने दिन, तो सर 8 दिन, तो सितंबर में लिख दो 8। अगस्त में कितने दिन ले लूँ, 31 डेज ले लो, जुलाई के 31 डेज ले लो, जून के 30 डेज ले लो, एक बेटा पे कैलकुलेट करो, 31 प्लस 31 62 होता है, 62 प्लस 30 होता है 92, 92 प्लस 8 होता है 100 दिन हुए। तो अभी भी मैं मई के सारे दिन ले सकता हूँ, तो अभी मेरे 131 डेज हो गए, तो 146 माइनस 131 मतलब और 15 दिन,
तो यहाँ पे 15 डेज आ गया, मतलब अप्रैल का 15th वो मेरा ड्यू डेट बना। समझा तुम लोगों कैसे किया मैंने? तो मैंने उल्टा गया हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर डिस्काउंटेड डेट इज 15th अप्रैल। तो कभी कौन से महीने में डिस्काउंट किया है? 15th अप्रैल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सम है, बिकॉज यहाँ पे पहले तुम लोगों को क्या दे दिया है, पहले क्वेश्चन में दे दिया है हर चीज़ का एंड ढूंढना। एंड मैंने 146 डेज ढूंढा, फिर उसके बाद मैंने उल्टा गया एक एक दिन माइनस करते करते, एंड तब जाके मुझे आंसर मिल गया मेरा ड्यू डेट। क्लियर है ये सम? मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, अगर उसका लेवल कम होगा तो मैं आपको ऐसा होमवर्क देने वाला हूँ। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना और मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि इसका सोल्यूशन मैं नहीं तुम लोग मुझे देने वाले हो ऑन माई व्हाट्सएप, तो मैंने नीचे नंबर डाल दिया है उस पर ये दे देना। तो नाउ अ बिल इज ड्रॉन ऑन 5th जून, बिल ड्रॉ किया 5th जून को, सर ठीक है, 6 महीने के लिए वॉज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ, 6 महीने के लिए किया था वो, ठीक है, तो 6 महीना के लिए किया है। तो पहले तो देखो 6 महीने लिखना है मुझे, तो जून से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर दिसंबर के 5th यहाँ पे है, तो दिसंबर के 8 तारीख को ये मेरा ड्यू हो रहा है। अभी दिसंबर 8 को ड्यू हो रहा है, लेकिन उन्होंने डिस्काउंट कभी किया है 19th अक्टूबर को, रेट दे दिया है 19 अक्टूबर दे दिया है, कैश वैल्यू दिया है, तुमको बोला फेस वैल्यू ढूंढना है। तो पहली बात तो तुम लोग हम लोग को एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे बीडी वाला ही, तो इसका सोल्यूशन वैसे ही तुम लोग को ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैं तुम लोग को होमवर्क देता हूँ, उसका सोल्यूशन ना आए तो मैं हूँ तुम्हारे साथ कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप, तो अगर तुम्हारा ये हो जाए समझ जाए तो बिंदास मुझे मैसेज करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, यहाँ का सेशन एंड होता है।